गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफिकल्ट स्पेलिंग के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले सेशन चार तक हम लोगों ने डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को देख लिया है। आज के डिफिकल्ट स्पेलिंग्स हम लोग लेटर ओ से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको आगे ले जाएंगे। ये डिफिकल्ट स्पेलिंग्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आप स्पेलिंग के साथ साथ आप वर्ड के यूज को भी आप समझेंगे, तो इससे आपको इस वीडियो सेशन से आपको दोहरे फायदा मिलने वाले हैं। एक तो आप डिफिकल्ट स्पेलिंग्स देख रहे हैं कि कहां पर स्पेलिंग करेक्ट करना है और स्पेलिंग गलत कैसे होते हैं, उसका करेक्शन कैसे होगा। इसके साथ साथ आप वर्ड के अर्थ को भी समझेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपको लैंग्वेज को समझने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए आज के हम इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं लेटर ओ से। देखिए, हमें लिखना है ऑब्सिक्विस, ठीक है ना, हमें लिखना है ऑब्सिक्विस। तो राइट हमारा स्पेलिंग जो होगा ऑब्सिक्विस का वो ये होगा। देखिए, ये जो ऑब्सिक्विस होता है ना, देखिए इसका जो एंडिंग पार्ट हमें थोड़ा ध्यान देना है। कभी कभी हम लोग एंडिंग पार्ट को ना इग्नोर कर देते हैं, इसका जो एंड पार्ट है ना यही मेन चीज है। तो ऑब्सिक्विस का मतलब क्या होता है, इसका संबंध फ्यूनरल से है, ठीक है ना, दाह संस्कार से संबंधित है। यदि कोई चीज अगर ऑब्सिक्विस है तो इसका संबंध जो है ना वो दाह संस्कार से संबंधित है। तो इसको हम सिंपल भाषा में अगर इसका हिंदी लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं दाह संस्कार से संबंधित, ठीक है ना, अंत्येष्टि से संबंधित चीज को ऑब्सिक्विस कहते हैं। चलिए, अब हमारा जो सेकंड जो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स में आता है ऑब्सिक्विस, ठीक है ना, ऑब्सिक्विस। देखिए, इसमें नॉर्मली लोग गलत कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, इसको नॉर्मली लोग गलत इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि ये हम गलत अभी वर्ड लिखने जा रहे हैं। देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये है ऑब्सिक्विस। ये नॉर्मली इस तरह से जो स्पेलिंग लिखे जाते हैं इस वर्ड के लिए वो गलत है, ठीक है ना। इसका जो राइट स्पेलिंग होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, ऑब्सिक्विस। देखिए, मतलब यू के बाद आई का होना यहां जरूरी है। हमें कहां ध्यान देना है, इस वर्ड में है ना यू के बाद आई का होना जरूरी है, ठीक है ना, यही हमारा मेन एरिया है। देखिए, ऑब्सिक्विस का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चापलूसी खुशामदी। कोई व्यक्ति अगर ऑब्सिक्विस नेचर का है, इसका मतलब यह होता है कि वह किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की चापलूसी करता है, खुशामदी करता है। इसका जो सिनोनिम्स होगा, आप वर्ड को भी समझें, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सर्वाइव, ठीक है ना। और इसका अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होगा खुशामदी चापलूसी। चलिए, तो इस वर्ड में हमें ध्यान क्या देना है, ऑब्सिक्विस वर्ड में हमें ध्यान क्या देना है कि इसमें यू के बाद आई का होना जरूरी है। हमारा जो ये स्पेलिंग, ये जो वर्ड जो लिखा गया है ना, ये रॉन्ग है और हमारा करेक्ट जो वर्ड है वो ये है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें लिखना है ओपननेस। आप ओपननेस कैसे लिखेंगे, आपको ओपननेस लिखना है, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा ओपननेस पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को पहले देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक बेसिक रूल क्या कहता है, मैं आपको पहले बेसिक की ओर ले जाता हूं, इसके बाद फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, ठीक है ना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी एडजेक्टिव में, ठीक है ना, यदि किसी एडजेक्टिव में यदि हम नेस शब्द जोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, यदि किसी एडजेक्टिव में नेस शब्द जोड़ते हैं तो इस एडजेक्टिव में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इस एडजेक्टिव के जो स्पेलिंग है ना, इसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं आता है, उसमें नेस डायरेक्ट जुट जाता है। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं, हमें लिखना है सडन। सडन एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच से सडन एडजेक्टिव है, और इसमें हमको नेस ऐड करना है, ठीक है ना, इसमें हमको नेस ऐड करना है। तो सडननेस डायरेक्ट हम इसमें, सडननेस में ना दो एन हम पढ़ेंगे, मतलब कि सडननेस में ना दो एन का यूज होता है, कोई एन हटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक नेस लगने से एक एन हट जाएगा, इसमें दोनों एन रहेंगे। तो सडननेस का जो राइट स्पेलिंग होगा वो ये होगा, सडननेस हम ऐसे लिखेंगे। चलिए, तो सडननेस में हमें क्या देखना है कि एक इसमें एन जोड़ने से इसमें डबल एन हो जाएंगे, डबल डी तो पहले से है और डबल एस हमारा ये हो जाएगा। तो सडननेस को हम किस तरह से देखेंगे, डबल डी, डबल एन और डबल एस, ठीक है ना। हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमें लिखना है ओपन, जो कि अभी मैं बोल रहा हूं कि ओपननेस हमें लिखना है, हम कैसे लिखेंगे। चलिए, अब ओपन में हमें नेस जोड़ना है, हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इस तरह से लिखेंगे, पहले ओपन तो पहले पूरा लिख लें और इसमें हम नेस जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि ओपननेस में कितना एन होना चाहिए, डबल एन होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये सब हमारे सही स्पेलिंग है, ठीक है ना, ये सब हम लोग करेक्ट की ओर जा रहे हैं।
चलिए हम एक और एग्जांपल से आपको ये दिखाते हैं कि नेस जोड़ने से ना पहले का लगा हुआ एन नहीं हटता है। जैसे कि एक वर्ड आप देखे ड्रंकेन, ये ड्रंकेन हमने इस तरह से लिखा, इसमें हमें नेस जोड़ना है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि किसी एडजेक्टिव में यदि हम नेस जोड़ते हैं तो उससे एडजेक्टिव के किसी स्पेलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो पहला स्पेलिंग है वो जस का तस रहेगा। अब ड्रंकेन हमारा एक एडजेक्टिव है, हमको इसमें नेस जोड़ना है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो हमारा जो वर्ड निकल कर आएगा वो इस तरह से रहेगा, ड्रंकेन नेस। तो ये सब हम वर्ड्स में क्या देखते हैं कि डबल एन का होना जरूरी है, सिंगल एन अगर होता है तो वो गलत होगा। तो चलिए अब हमने ओपननेस से सीख लिया है कि ओपननेस को किस तरह से लिखा जाएगा, ओपननेस में ना डबल एन होगा। चलिए हमें लिखना है ऑब्लिक, जो हम लोग तिरछा निशान देते हैं ना ऑब्लिक ऑब्लिक कहते हैं, ऑब्लिक आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑब्लिक की ओर, देखिए ये जो इसका राइट स्पेलिंग है, ऑब्लिक का राइट स्पेलिंग ये है, ठीक है ना। ये इसका अंत भाग पर हमें ध्यान देना है कि ऑब्लिक के अंत में क्यू यू ई होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से एक वर्ड है ऑब्लॉक्वी, चलिए एक और वर्ड देखा जाए, देखिए इसके अंत भाग पर हमें ध्यान देना है कि ऑब्लॉक्वी के अंत में क्यू यू वाई होता है, ठीक है ना। हालांकि हम पढ़ रहे ऑब्लॉक्वी, गलत लिखते तो कैसे लिखते, अगर हम अगर उच्चारण से अगर हम लिखते ऑब्लॉक्वी तो कैसे लिखते हैं, ऑब लॉक हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और अब ऑब्लॉक्वी, अब इसी यही पर हम गलत कर बैठते हैं कुछ लिख करके, जबकि इसका राइट स्पेलिंग में क्या होना चाहिए, क्यू यू वाई होना चाहिए। तो ऑब्लिक पर हमें ध्यान देना है कि इसके अंत में क्यू यू ई होना चाहिए और ऑब्लॉक्वी के अंत में क्यू यू वाई होना चाहिए। चलिए तो ऑब्लॉक्वी का मतलब क्या होता है, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है बदनामी अथवा निंदा, ठीक है ना। अर्थ को भी देखा जाए और ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा, यदि कोई चीज यदि ऑब्लिक है तो वो तिरछा है। चलिए तो बच्चों हम समझते हैं कि इतना आपको चीज भली भांति समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि एडजेक्टिव में नेस जोड़ने से एडजेक्टिव के जो स्पेलिंग होते हैं उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमें लिखना है ओवररन, आप ओवररन कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए ओवर, ठीक है ना, ओवररन, देखिए ओवररन में हमने डबल आर किया, ये जो डबल लेटर वाले जो वर्ड्स होते हैं ना ये बेहद और बेहद खतरनाक होते हैं। हमें समझ में आता है कि एक ही आर होना चाहिए, जबकि ओवररन में ना ये डबल आर का होना जरूरी है। अगर आप किसी को ओवररन करते हैं आप उसे बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकलना ओवररन का जो अर्थ होता है वो होता है बाहर निकलना, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर ओवररन करता है तो वह बाहर निकल जाता है, इसके और भी अर्थ हैं, लेकिन इसका जो मैं जो यूजफुल अर्थ है मैं सिर्फ उसी अर्थ के बारे में बात कर रहा हूं। चलिए अगर हमको कहना है ओवर रेट कहना है, ठीक है ना, चलिए हम कैसे ओवर और रेट आपको अलग से लिखना है, यानी कि ओवर रेट में क्या है, डबल आर का होना जरूरी है, सिंगल आर नहीं। ओवर रेट में ना सिंगल आर नहीं, डबल आर का होना जरूरी है। ओवर रेट का मतलब क्या होता है, ज्यादा पैसा लेना, ठीक है ना। अगर आप कुछ को ओवर रेट करते हैं आप पैसा ज्यादा लेते हैं। चलिए तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ओ से रिलेटेड। चलिए हम लोग अब हम ओ के बाद आते हैं पी की ओर। चलिए पी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा जाए, हमें लिखना है पिकाडिलो, आप पिकाडिलो कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तो पिकाडिलो में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके डबल लेटर का होना। पिकाडिलो में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें डबल सी, हमें ध्यान यहां देना है, पूरे वर्ड को पूरे लेटर को नहीं रटना है, बस इसके मेन चीज को ध्यान देना है। पिकाडिलो में सिंगल सी सॉरी डबल सी होता है और डबल एल होता है। पिकाडिलो का मतलब क्या होता है, पिकाडिलो का मतलब होता है छोटी सी गलती को, मामूली सी गलती को ना पिकाडिलो कहते हैं। तो इसको अगर सिंपल भाषा में लिखा जाए तो माइनर मिस्टेक, और अगर हिंदी में लिखा जाए तो मामूली गलती को हम लोग पिकाडिलो कहते हैं।
मामूली सी जो गलती होती है ना वो पिकाडिलो कहलाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका डबल सी और डबल एल का होना आपको लिखना है। अगला आप लिखिए पालकी। पालकी का अंग्रेजी क्या होता है, माना पालकी का अंग्रेजी अगर हम कहते हैं तो पैलेंकिन होता है। देखिए पैलेन पैलेंक्यूइन होता है, ये है पालकी। इसका अंत भाग पर हमें ध्यान देना है कि पालकी के अंत वाला जो भाग है वो कैसा है। इसके अंत में ना क्यू यू आई एन है, हम इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इसका अर्थ होता है पालकी। चलिए हमें लिखना है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर आप कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है प्रेडिसेसर में, ना इंपॉर्टेंट बात क्या है, अंत जो होता है ना वो देखिए अंत में सर नहीं है, ए आर नहीं है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसका जो अंत है ना वो ओ आर से हो रहा है। और दूसरी बात है कि प्रेडिसेसर में ना वो डबल एस लगा हुआ है। तो प्रेडिसेसर का राइट स्पेलिंग में क्या हमें ध्यान देना है कि इसका अंत ओ आर से होता है, अगर हम ए आर लिखते हैं तो वो चीज गलत हो जाएगा। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, पूर्वाधिकारी, है ना, किसी व्यक्ति के पहले वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का प्रेडिसेसर कहलाता है। जैसे कि मिस्टर मोदी का प्रेडिसेसर कौन थे, मिस्टर मोदी के प्रेडिसेसर मनमोहन सिंह है, ठीक है। तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है पहले आने वाला, जो पहले आ चुका है, प्री मतलब होता है पहले। चलिए आपको आगे लिखना है प्रोप्राइटर, है ना, किसी कंपनी किसी दुकान किसी संस्था का प्रोप्राइटर उसका मालिक होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोप्राइटर की ओर। चलिए प्रोप्राइटर में टर होता है, देखिए टी आर होता है। प्रोप्राइटर पर हमें ध्यान क्या देना है, इसके स्पेलिंग पर ध्यान क्या देना है, प्रोप्राइटर में ना ओ आर होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्रोप्राइटर का मतलब अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है संचालक, लेकिन यदि ये प्रोप्राइटर अभी नाउन है थोड़ा ध्यान दिया जाए, प्रोप्राइटर अभी नाउन है। आज जब इसका एडजेक्टिव हम करेंगे, जब हम इसके एडजेक्टिव फॉर्म को बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा इसके स्पेलिंग में अंतर आएगा। अभी तो ये नाउन है, अभी तो प्रोप्राइटर एक नाउन है, कोई व्यक्ति एक नाउन होता है, लेकिन जब हम इसको जब हम एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके स्पेलिंग में थोड़े से अंतर आ जाएंगे। वो अंतर क्या होगा भाई, हमको लिखना प्रोप्राइटरी, है ना। देखिए कैसे हम लिखेंगे प्रोप्राइटरी, टरी, देखिए टोरी नहीं, टोरी नहीं, ये ध्यान देना है। इसका ये जो चीज है ना ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ना, प्रोप्राइटरी नहीं होता है, प्रोप्राइटरी होता है। देखिए एडजेक्टिव कन में कन्वर्ट हुआ, इसके लेटर में अंतर आ गया, जो वो था ना वो ए में कन्वर्ट कर गया। तो प्रोप्राइटरी का मतलब अगर सिंपल अगर हिंदी कहते हैं तो मालिकाना, मतलब मालिक होने का, मालिक होने से संबंध रखता है। जैसे मालिकाना हक होता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का किसी चीज के ऊपर क्या होता है, मालिकाना हक होता है, उसको हम क्या कहेंगे प्रोप्राइटरी राइट। अगर हमें ऐसे लिखना है तो क्या कहेंगे प्रोप्राइटरी राइट, ये है मालिकाना हक मालिकाना दावा। तो प्रोप्राइटर अगर है तो ओ आर, और प्रोप्राइटरी यदि हो जाए तो ए आर। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए आपको लिखना है पब्लिकली। पब्लिकली आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो सेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक होने वाला है, अतः आप इसे गौर से देखें। देखिए हमें लिखना है पब्लिकली आप कैसे लिखेंगे। देखिए अगर हम पब्लिकली, जैसे कि कहा गया है पब्लिकली अगर हम लिखते हैं ना तो ये हमारा गलत स्पेलिंग है, लेकिन हम बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीजों को देना पसंद करेंगे। चलिए कुछ बेसिक चीज आप लीजिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात होगी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लेते हैं। देखिए रूल क्या कहता है कि यदि कोई एडजेक्टिव जिसका अंत आईसी से होता है ना, मतलब उस एडजेक्टिव का अंत क्या होता है, किससे होता है, आईसी से होता है। यदि उसका एडवर्ब बनाया जाए, यदि इस वर्ड को अगर एडवर्ब में कन्वर्ट किया जाए तो इसके अंत में ना हम ए डबल एल वाई जोड़ते हैं। आमतौर पर क्या होता है, देखिए आमतौर पर मैं नियम बता रहा हूं कि किसी एडजेक्टिव को अगर एडवर्ब बनाना है, ये मैं जनरल रूल की बात कर रहा हूं, यदि किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो हम उसमें एलवाई जोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम उस वर्ड में एलवाई जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे लाउड एक वर्ड है, हमने इसको एडवर्ब बनाना था, क्या कर दिया, लाउडली। स्लो एक एडजेक्टिव है, सॉरी,
ठीक है ना, इसमें हमको एडवर्ब बनाना था, मैंने क्या कर दिया स्लोली। तो किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर हमें कोई एडजेक्टिव दिया गया हो और उसे एडवर्ब बनाने की बात कही जाए तो हम उसमें एलवाई का यूज करते हैं। लेकिन वैसे एडजेक्टिव जिसके अंत में आईसी लगा हो, अगर उनका एडवर्ब बनाते हैं तो उनके एडवर्ब बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ए डबल एल वाई इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारा एक वर्ड है बेसिक, खुद हम आगे बढ़ते हैं इम्फैटिक, हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है स्पेसिफिक, और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है रियलिस्टिक। देखिए सब में आईसी लगा हुआ है। ओके, अब कहा जाए कि बेसिक का आप एडजेक्टिव एडवर्ब बनाइए। आमतौर पर क्या होता है कि एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बनता है। अगर हम इसमें अगर हम ऐसे लिख देते हैं एलवाई, अगर हम केवल लिख देते हैं, अगर वर्ड अगर ऐसे अगर बनता है तो ये हमारा ये वर्ड गलत है। ठीक है, क्योंकि सही क्या होना चाहिए, वैसे एडजेक्टिव जिसके अंत में आईसी लगा हो यदि उनका एडवर्ब बनाना हो तो उसमें हम ए डबल एल वाई जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका एडवर्ब क्या हो जाएगा, बेसिकली। थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ, ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम ए डबल एल वाई तो जोड़ते हैं लेकिन उच्चारण में ना ए एल नहीं पढ़ते हैं। ये जो होता है ना, ये इतना का उच्चारण हम नहीं करते हैं, हम उच्चारण इसके साथ करेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको, बेसिकली। देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कैसे कहेंगे, बेसिकली। चलिए अब इसका एडवर्ब हमें बनाना है, आईसी से समाप्त हो रहा है तो इसका अगर एडवर्ब बनाने की बात कही जाए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ए डबल एल वाई ऐड करेंगे, तो वर्ड क्या बनेगा, इम्फैट। चलिए वर्ड बनेगा इम्फैट। देखिए ऐसे तो जनरल तौर पर क्या हम पढ़ेंगे इसको, जनरल तौर पर पढ़ेंगे इम्फैटिकली, कली कली नहीं, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ना ये भाग का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे इम्फैटिकली, इम्फैटिकली। चलिए इसी तरह से हम इसको पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, और उसी तरह से इसको पढ़ेंगे रियलिस्टिकली। चलिए तो इन सब का एडवर्ब हम कैसे बनाते हैं, ए डबल एल वाई जोड़ करके, लेकिन अपवाद स्वरूप पब्लिक है। चलिए पब्लिक, पब्लिक में देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, पब्लिक में अगर हमें एडवर्ब बनाना है तो इसमें सिर्फ एल वाई जोड़ा जाता है, एल वाई, मतलब ये जो होगा ना ये रॉन्ग होगा, ये जो चीज होगा ना ये सुपर गलत होगा। ये केवल पब्लिक ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि आईसी रखते हुए इसके अंदर भी आईसी है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसके अंदर भी आईसी है लेकिन इसमें हम एल वाई जोड़ते हैं एडवर्ब बनाने के लिए, ए डबल एल वाई नहीं जोड़ते हैं, अतः पब्लिकली हमारा ये गलत है। इसका राइट क्या होना चाहिए, स्पेलिंग होना चाहिए इस तरह से, पब्लिकली, ये हमारा सही है। तो बात बहुत आसान है कि वैसे एडजेक्टिव जिसके अंत में आईसी लगा हुआ है अगर इनके एडवर्ब बनाया जाए तो इनके एडवर्ब में आमतौर पर हम ए डबल एल वाई जोड़ते हैं, एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप पब्लिकली को छोड़ करके। पब्लिक में यदि पब्लिक भी एडजेक्टिव है, यहां भी आईसी है, ऐसे तो हम ए डबल एल वाई लगाना चाहिए था लेकिन चूंकि ये अपवाद है, ठीक है ना, तो अगर कहा जाए कि आप पब्लिकली लिखिए तो पब्लिकली का ये स्पेलिंग गलत होगा, हमारा सही स्पेलिंग ये होगा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए हमें आगे हम बात को हम लेके चलते हैं। तो पी से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ये देखा कि पब्लिकली में केवल एलवाई होना चाहिए, वहां पर ए डबल एलवाई का यूज नहीं होगा। चलिए देखिए हमें लिखना है प्रूवेबल, प्रूव प्रूव, आप ऐसे आइए प्रूव, अप्रूव में हमें एबल जोड़ना है। हमने सेशन 4 में बात किया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि अंत में ई रहेगा
लेकिन जब हम एबल छोड़ेंगे ना तो वहां पर ई रहेगा, मतलब ई गायब नहीं होगा, यहां पर ई रहेगा। अगर अंत में अगर हम ई, अगर ई वाले वर्ड में अगर हम एबल जोड़ते तो ई रहेगा। जैसे कि वर्ड रहा एक्सचेंजेबल, जैसे कि एक्सचेंज वर्ड ये है, हमें इसमें एबल जोड़ना है तो ई यहां पर रहेगा। इसी तरह से वर्ड था मैनेजेबल, इसी तरह से वर्ड था इंटर एक्सचेंजेबल, ये सब में ई रहेंगे। लेकिन देखिए प्रूवेबल, प्रूवेबल अगर प्रूव में अगर हम एबल जोड़ते हैं यहां से ई हमारा गायब हो जाएगा, है ना। कुछ वर्ड्स में रहते हैं और कुछ वर्ड्स में गायब हो जाते हैं। कल हम लोगों सॉरी सेशन फोर में हम लोगों ने बात किया था इमूवेबल, लवेबल। देखिए इन दोनों में ना ई नहीं है, ई गायब हो गया है, ठीक है। तो प्रूवेबल का स्पेलिंग हमारा सही क्या होना चाहिए, यहां से ई खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा जो राइट स्पेलिंग होगा वो ये होगा प्रूवेबल। चलिए हमें लिखना है प्रोफेसर, हम प्रोफेसर कैसे लिखेंगे, तो प्रोफेसर का राइट स्पेलिंग हमारा ये होना चाहिए, ठीक है ना। डबल एस और ओ आर, यहां पर ई आर का जो यूज होगा वो गलत होगा, प्रोफेसर में ना ई आर नहीं होता है, ओ आर होता है। चलिए हमें अगला वर्ड लिखना है प्ले राइट, नाटककार। प्ले राइट का मतलब नाटककार। शेक्सपियर वाज द ग्रेट प्ले राइट, प्ले राइट हम कैसे लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा यूनिक स्पेलिंग है प्ले राइट का, प्ले राइट हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, प्ले राइट हम ऐसे लिखेंगे। अगर प्ले राइट में अगर हम राइट अगर ये लिखते हैं तो हम पूरी तरह से गलत हैं, ठीक है ना। तो प्ले राइट का जो अर्थ होगा वो होगा नाटककार। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, हमें लिखना है पोर्सेलिन, ठीक है ना, पोर्सेलिन लिखना है, चीनी मिट्टी के बर्तन को ना पोर्सेलिन कहते हैं। चलिए हम लोग नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे पोर्सेलिन, ठीक है ना। ये गलत है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये गलत है, पोर्सेलिन जो है ना ये गलत है। सही क्या होना चाहिए, पोर्सेलेन होना चाहिए, ठीक है ना। चीनी मिट्टी के बर्तन को पोर्सेलिन कहते हैं। चलिए हम आगे हमें लिखना है सीडोनिम, देखिए सीडोनिम कह रहा हूं, ठीक ना, सीडोनिम कह रहा हूं, लेकिन उसका हम लिखावट एस पी से शुरू करेंगे, एस से नहीं। अगर एस लिखते हैं ये हमारा रॉन्ग स्पेलिंग, देखिए ये रॉन्ग होगा। सीडोनिम लिखना है तो आपको पी से आना होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये है सीडोनिम। देखिए सीडोनिम का मतलब क्या होता है, किसी लेखक द्वारा अपनाया गया जो नाम होता है, ठीक है ना, वो सीडोनिम होता है। जैसे कि देखिए प्रेमचंद क्या था, ये प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, लेकिन जो धनपत राय जो किताब लिखते थे वो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। तो प्रेमचंद का क्या हुआ, धनपत राय तो उनका मूल नाम था, लेकिन किताब लिखने के लिए उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया, तो प्रेमचंद उनका क्या बना, सीडोनिम। तो देखिए ये बच्चों ये स्पेलिंग के दृष्टिकोण से जबरदस्त वर्ड है, क्योंकि हम उच्चारण कुछ और कर रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे सीडोनिम, लेकिन लिखेंगे पी से, ओके। जैसे कि सेशन फोर में मैंने लास्ट में बात किया था साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम बोल रहे हैं एस से लेकिन लिखेंगे पी से। तो सीडोनिम का मतलब क्या होता है, अगर हम सीडोनिम का मतलब समझें तो निकनेम, और इसको इंग्लिश में कहिए तो उपनाम, ठीक है ना। सीडोनिम का अर्थ होता है उपनाम, किसी लेखक द्वारा अपनाया गया नाम को हम लोग सीडोनिम कहते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, चलिए हमें लिखना है कव्वाली। आप कव्वाली कैसे लिखेंगे, जो कव्वाली गाया जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, क्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है कव्वाली। देखिए इसमें देखिए डब्ल्यू का होना है ना, इसको इंपॉर्टेंट बना रहा है। कव्वाली में यू नहीं है, पहले तो ये समझे, ऐसे उच्चारण से लग रहा है कि कव्वाली में यू, कव्वाली लग रहा है कि यू होना चाहिए, लेकिन कव्वाली में कोई यू नहीं है। इसमें इसका जो मेन जो अट्रैक्शन है इसका डब्ल्यू का होना, ठीक है ना। ये जो डब्ल्यू इसको मेन अट्रैक्टिव मतलब की वर्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो कव्वाली का मतलब कव्वाली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें लिखना है क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर प्रश्नावली,
प्रश्नों की एक सूची को ना क्वेश्चनेयर कहते हैं। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चन तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन नेयर जब जोड़ेंगे ना तो एक एन और आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चनेयर का जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें डबल एन का होना। यदि हम क्वेश्चनेयर लिखते हैं तो इसमें देखिए, बिलोनियर में सिंगल एन था, मिलियनियर में सिंगल एन था, लेकिन क्वेश्चनेयर में डबल एन होगा। तो क्वेश्चनेयर का अगर हम हिंदी कहते हैं तो इसका हिंदी होता है प्रश्नावली। चलिए, हमें लिखना कोरम, गणपूर्ति। कोरम का मतलब क्या होता है कि कोई सदन, कोई सभा चलने के लिए ना एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि कहीं भी कोई सदन में, जैसे कि लोकसभा में 543 या 542 सदस्य की संख्या है, तो सदन चलने के लिए ना एक मिनिमम संख्या में लोगों का होना जरूरी है। मान के दो लोग आए, पांच लोग आए, दस लोग आए, तो इसे सदन नहीं चलेगा। तो सदन चलने के लिए, कोई कार्यवाही होने के लिए जो मिनिमम संख्या होती है ना, उसको कोरम कहते हैं, ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है गणपूर्ति, ठीक है ना, गणपूर्ति उसका शुद्ध हिंदी होता है, लेकिन कोरम कोरम कहा जाता है। कोरम हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उच्चारण के आधार पर लिखे तो कोरम हम कैसे लिखते हैं, कोरम हम ऐसे लिखते हैं। तो ये तो कोरम किसी लायक नहीं है, मतलब कहीं से ही तो सही नहीं लग रहा है। हल्का सा भी अगर समानता दिखलाता तो एक बात रहता। कोरम में ना क्यू यू ओ होता है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना, कोरम में ना क्यू यू ओ होता है। हमको लिखना कोटा, कोई चीज का कोटा होता है ना, भाग, अंश, ठीक है ना, तो कोटा हम कैसे लिखेंगे, ये कोटा होता है, कोटा ये नहीं होता है, ये तो कोटा आपका पूरी तरह से गलत है, इस तरह का तो कोटा कोई वर्ड ही नहीं है। तो कोटा हम ऐसे लिखेंगे, कोटा का मतलब हम समझते हैं भाग या अंश को हम लोग कोटा कहते हैं। चलिए, हमें लिखना है कुनीन, कुनीन लिखना है, कुनीन आप कैसे लिखेंगे, कुनैन जिसको कहते हैं, ये बुखार की दवा के रूप में काम करता है। देखिए, क्विनीन, इसको इसका उच्चारण हम पढ़ेंगे क्विनीन, और ये होता है कुनैन, ठीक है ना, कुनैन के छाल से बुखार का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, पढ़ेंगे कुनैन, कुनैन इसका हिंदी होगा, सॉरी इसका हिंदी होगा कुनैन, पढ़ेंगे क्या, क्विनीन, पढ़ेंगे क्विनीन, ठीक है ना, और इसका हिंदी होगा कुनैन, कुनैन के छाल से बुखार को ठीक किया जाता है। चलिए, हमको पढ़ना कोसेंट, कोसेंट, कोसेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, कोसेंट हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। कोसेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग मैथ बनाते हैं तो कोसेंट का मतलब होता है भागफल, ठीक है ना। तो बच्चों, ये क्यों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, कव्वाली, क्वेश्चनेयर, कोरम, कोरम मतलब गणपूर्ति, अगर इसका अगर शुद्ध अगर हिंदी लिखा जाए तो इसका हिंदी होता है गणपूर्ति। चलिए आगे देखते, कोटा, कोटा का मतलब भागी अंश, कुनैन का क्विनीन, इसका अर्थ है कुनैन, और कोसेंट का अर्थ होता है भागफल। चलिए, हम लोग अपने बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, आपको लिखना है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की ओर मैं जा रहा हूं, एक छूटा हुआ पीस, एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए, हम लोग किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंस, शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, थोड़ा ध्यान दिया जाए, प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, ठीक है ना, ये तो ठीक है। लेकिन इसका जब नाउन बनाते हैं, इस वर्ड का जब नाउन करते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमें, प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना तो हमारा ये पूरी तरह से गलत है। केवल सन जोड़ देने से ये नाउन नहीं बन गया, इसमें और कुछ बदलाव करने हैं, ओके। प्रोनाउंस तो हम ऐसे लिखेंगे, उच्चारण करना, लेकिन अगर हमें केवल उच्चारण करना है तो प्रोनाउंसिएशन होता है, देखिए नाउन नहीं होता है, ये वाला जो ओ है ना, ये ओ कैंसिल हो जाएगा, जब हम नाउन लिखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, नाउन के रूप में हम क्या इसको लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा ध्यान दिया जाए, नाउन के रूप में हम क्या लिखना पसंद करेंगे, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन, और इसका हिंदी होता है उच्चारण। चलिए, हमें लिखना है प्रोटीन, देखिए प्रोटीन हम दो तरह से लिखेंगे, प्रोटीन के दो स्पेलिंग है, एक जो हम लोग प्रोटीन जो भोजन में मिलता है प्रोटीन, उसका स्पेलिंग ये है, जो हम लोग भोजन में जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं उसका स्पेलिंग ये है, ठीक है ना, ये एक पौष्टिक चीज होता है, तो प्रोटीन जो भोजन युक्त होता है, जो भोजन में मौजूद होता है, और एक प्रोटीन ऐसे भी प्रोटीन होता है,
ये प्रोटीन मौजूद है, ये इंग्लिश डिक्शनरी में ये प्रोटीन मौजूद है। तो ये प्रोटीन का मतलब होता है जो आसानी से बदल जाए, जो शीघ्रता से बदल जाए, जो परिवर्तनशील हो, ठीक है ना, एबल टू चेंज। इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो एबल टू चेंज, जो बदल सके, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कह सकते हैं परिवर्तनीय, जैसे कि हम लिख सकते हैं प्रोटीन कैरेक्टर, किसी चीज का प्रोटीन कैरेक्टर हो सकता है। देखिए ना, कोविड वायरस का क्या हुआ, उसका कैरेक्टर बहुत तेजी से ना उसमें म्यूटेशन हो रहा था, इसलिए उसके वैक्सीन बनने में काफी समय लग गया, क्योंकि वो अपना तेजी से अपना नेचर बदल रहा था। अभी कुछ और है, कुछ समय के बाद उसके नेचर में चेंजेज आ जाते थे, तो उसका जो कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर था, वो प्रोटीन कैरेक्टर था। उसका जो उसके शरीर के अंदर जो म्यूटेशन होते थे कोविड वायरस के अंदर, वो प्रोटीन कैरेक्टर थे, प्रोटीन वो थे, प्रोटीन म्यूटेशन थे। तो चलिए, प्रोटीन वर्ड होता है, लेकिन जो पोषण तत्व में जो प्रोटीन होता है, जिसको हम खाते हैं, जो हमें भोजन में मिलता है, उसका स्पेलिंग ये होता है। चलिए कुछ और पीस से वर्ड देख लिया जाए। पुसिलैनिमस, हमें लिखना है पुसिलैनिमस। हम कैसे लिखेंगे पुसी, देखिए पुसिलैनिमस हम ऐसे लिखेंगे, पुसिलैनिमस में ना डबल एल हम ऐसे समझेंगे, ठीक है ना। पुसिलैनिमस, सॉरी इसको थोड़ा सा बाद में किया जाएगा। चलिए पुसिलैनिमस को थोड़ा सा देखा जाए, हम कैसे लिखेंगे पुसिलैनिमस, उसके सही स्पेलिंग ये होंगे। सॉरी, जो पिछला था वो रॉन्ग था, अब हम लोग सही ट्रैक पर हैं। पुसिलैनिमस का मतलब होता है कायर, डरपोक। यदि कोई व्यक्ति पुसिलैनिमस नेचर का है तो वो कायर है, वो डरपोक है, ठीक है ना। तो पुसिलैनिमस में हमें मेन क्या ध्यान देना है, इसका डबल एल का होना, ठीक है ना। पुसिलैनिमस में कितना एल होता है, तो डबल एल होता है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना पैनलिस्ट, पैनल, पैनल आप समझते हैं, ठीक है ना। पैनल क्या होता है, टेलीविजन पर आप देखिएगा कि जो समाचार में एक पैनल आता है और उसमें पैनलिस्ट बैठे रहते हैं। आपको लिखना पैनलिस्ट, पैनलिस्ट आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पैनलिस्ट का हमारा स्पेलिंग ये होगा, देखिए पैनलिस्ट में क्या है ना, डबल एल, डबल एल का होना पैनलिस्ट को इंपॉर्टेंट बनाता है, ठीक है ना। तो पैनलिस्ट का मतलब क्या होता है, पैनल के सदस्य, पैनल के किसी सदस्य को पैनलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना, किसी पैनल के सदस्य को पैनलिस्ट कहा जाता है। चलिए हम लोग अपने बात को आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए हमें लिखना है रिपीट, पहले हम रिपीट आप लिखिए, आप रिपीट कैसे लिखेंगे, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, हमें रिपीट लिखना है। हम रिपीट कैसे लिखेंगे, हम रिपीट ऐसे लिखेंगे, मतलब दोहराना। अगर आप कोई चीज को रिपीट करते हैं, आप दोहराते हैं, तो रिपीट ये सही है। अब इसका नाउन बनाना है, तो नाउन में ना रिपीटेशन नहीं होता है। देखिए नाउन में अगर हम ऐसे लिखते हैं, हम लोग नॉर्मली कैसे लिख देंगे, अगर हमें ज्यादा ध्यान अगर हम नहीं दें तो इसका नाउन फॉर्म हम ऐसे लिख देंगे, जो कि ये गलत है, ये सुपर गलत है। यदि रिपीट का नाउन बनाया जाए तो उसका रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन नहीं, ये गलत है। हमारा इसका नाउन फॉर्म जो होगा ना, वो रिपीटेशन होना चाहिए। देखिए ये हमारा सही नाउन फॉर्म है, पुनरावृत्ति, किसी चीज का रिपीटेशन, रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन नहीं होता है, ये रॉन्ग स्पेलिंग है। करेक्ट स्पेलिंग हमारा ये है, ठीक है ना। तो इसको हम समझ सकते हैं पुनरावृत्ति, किसी चीज का बार बार आना, उसका रिपीटेशन होता है। आपको लिखना है रिनेसांस, रिनेसांस आप कैसे लिखेंगे, चलिए थोड़ा रिनेसांस देखा जाए। तो रिनेसांस हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। रिनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, किसी चीज का रिनेसांस, उसका पुनर्जागरण होता है। इसका स्पेलिंग में महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसके डबल लेटर का होना, रिनेसांस में ना डबल एस होता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं पुनर्जागरण, ठीक है ना। किसी चीज का फिर से उदय होना पुनर्जागरण कहलाता है। चलिए हमें लिखना रिबन, रिबन जो कि बाल वगैरह में जो गुथा जाता है, वो रिबन क्या होता है। रिबन का स्पेलिंग हमारा करेक्ट स्पेलिंग ये होना चाहिए, देखिए ये हमारा रिबन है, रिबन में ना डबल बी होना चाहिए, हमें ये याद रखना होगा। रिबन मतलब रिबन फीता, रिबन का मतलब रिबन या फीता समझिए। हमें लिखना है रेंडियर, रेंडियर जो बारहसिंगा का अंग्रेजी होता है, रेंडियर हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा रेंडियर का स्पेलिंग ऐसे होना चाहिए,
ये हमारा रेनडियर है, ठीक है ना। रेनडियर का मतलब होता है बारह सिंगा। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छे अच्छे जो जानकार हैं इंग्लिश के, वो भी लिखने में ना बहुत बार सोचेंगे, यदि उनका इंग्लिश बहुत ओके भी है, बहुत बढ़िया भी, स्पेलिंग एक ऐसा एरिया है, मेरा मानना है, मेरा अपना फीलिंग है कि जिस पर कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा इस पर अथॉरिटी है, मेरा इस पर अधिकार है, हम कोई स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकते हैं। स्पेलिंग के फील्ड में महारत प्राप्त करना एक बहुत ही दुर्लभ चीज है। हाँ, लेकिन ये सब वर्ड्स कौन से वर्ड्स आपको दे रहा हूं, ये वैसे वर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स की कमी नहीं है, पहले तो आप ये समझें, वर्ड्स की कमी नहीं है, वर्ड्स की दुनिया में एक से एक वर्ड्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसी वर्ड्स की बात कर रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब आपको लिखना है रेंडिजवुअस। रेंडिजवुअस कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसके स्पेलिंग को, इसके स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, रेंडिजवुअस। चलिए देखिए इसका जो स्पेलिंग है ना, अंत उसका इससे हो रहा है, इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब होता है मिलने का जगह, मिलने का अड्डा। चलिए चलिए अब देखिए, अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, हमको लिखना रेयरीफाई लिखिए। रेयरीफाई अब कैसे लिखेंगे, किसी चीज को कम घना करना। देखिए रेयरीफाई ये गलत स्पेलिंग है, रेयरीफाई ये गलत स्पेलिंग है, हमारा सही स्पेलिंग क्या है तो रेयरफाई होता है, ठीक है ना। रेयरफाई का मतलब होता है किसी क्षेत्र को कम घना करना, रेयरफाई होता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए आपको लिखना है रिमिशन। रिमिशन हम कैसे लिखेंगे, कुछ सन वाले वर्ड को देखा जाए। देखिए एक वर्ड आपका है ओमिशन, पहले सारे वर्ड को देखा जाए कौन कहां से है, इससे कोई मतलब नहीं है, है ना। हमें अपने स्पेलिंग को सुधारना है, कभी कभी सीमा भी लांघना है तो उसको लांघना चाहिए, ठीक है ना। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको नहीं आज बोले हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, पी को ही बोले हैं तो पी को ही लिखेंगे, डब्ल्यू को नहीं बोले हैं तो डब्ल्यू को नहीं बोलेंगे। मेरे मामलों में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस तरीके से बेहतर समझ सके वो तरीका हमें अडॉप्ट करना चाहिए। कोई हमारे बीच में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि नहीं आज मैं बोला हूं कि पी क्यू आर हमें बताना है तो इसकी बात नहीं करूंगा, जरूर बात करूंगा यदि उसकी आवश्यकता पड़े तो। चलिए देखते हैं, एक है ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है ना, कि गलती से छूट जाना, किसी चीज का वहां पर नहीं होना, ओमिशन कहलाता है। तो आप इसको सिंपल भाषा में समझिए छूट, ठीक है ना, किसी चीज का छूट जाना, है ना, छूट जाना आप ऐसे समझिए, वो कहलाता है ओमिशन। यदि कोई चीज कहीं पर ओमिशन रह गया, इसका मतलब है कि वहां से वो चीज छूट गया है जो कि होना चाहिए था। ओके चलिए ओमिशन में क्या देख रहे हैं, इसमें मेन बात क्या है ना, सिंगल एम, थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंगल एम डबल एस, ये याद भी रखना है, सिंगल वाले को भी याद रखना है। मिस स्पेल्ट में कैसे आपको मिलेगा, इस तरह से आपको ओमिशन मिलने वाला है, पक्का आपको इसी तरह से मिलने वाला है। तो समझिए कि ये ओमिशन गलत है, क्योंकि ओमिशन में ना सिंगल एम होना चाहिए। आते हैं रिमिशन, एक और वर्ड है रिमिशन, एक वर्ड है और है रिमिशन। चलिए रिमिशन में क्या है ना, ठीक इसके भांति सिंगल एम डबल एस, ठीक इसके भांति सिंगल एम डबल एस, ठीक है ना। रिमिशन का मतलब क्या होता है, सजा में कमी को ना, सजा में माफी कमी को ना रिमिशन कहते हैं, सजा में माफी आप ऐसे समझिए, सजा में जो माफी दिया जाता है ना उसको रिमिशन कहते हैं। और अगर हम ऐसे रिमिशन लिखते हैं तो हम गलत राह पर हैं, आप इस तरह से जान लीजिए। रिमिशन में क्या होता है और ओमिशन में क्या होता है, दोनों को पहले समझा जाए। रिमिशन में सिंगल एम डबल एस, ओमिशन में सिंगल एम डबल एस। आइए परमिशन भी कुछ इसी तरह से है। चलिए परमिशन हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा है परमिशन, ये हमारा है परमिशन। परमिशन में हम क्या देखते हैं, डबल एस सिंगल एम। चलिए परमिशन तो कोई खास नहीं है। चलिए हम आते हैं कमीशन, जो कि हमें फंसाता है, हम आते हैं कमीशन जो कि हमें फंसाता है। कमीशन हम कैसे लिखेंगे, कमीशन हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए।
कमीशन जो फंसाता है, कमीशन देखिए इन तीनों में क्या है, सिंगल पी और एस कितना डबल, इसमें क्या है डबल एम, सॉरी सिंगल पी नहीं, सॉरी सिंगल एम होना चाहिए, सॉरी सिंगल एम डबल एस, इसमें क्या है डबल एम और डबल एस। तो ये कमीशन जो वर्ड है ये कई बार पूछा जा चुका है, हमें इतना याद रखना है कि ओमिशन में सिंगल एम, रिमिशन में सिंगल एम, परमिशन में सिंगल एम। सिंगल एम को याद कीजिए, डबल एस को याद करते या नहीं करते कोई मतलब नहीं है, पाला लेटर इस पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, कमीशन में डबल एम। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं, ओसिलेट। अब हम अगले वर्ड को देखते हैं, ओसिलेट को कैसे लिखेंगे। देखिए एक वर्ड ओसिलेट, ठीक है ना, एक वर्ड ओसिलेट, ओसिलेट में क्या है ना डबल एल, डबल एल इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, सिंगल एस थोड़ा ध्यान दिया जाए, ओसिलेट में ना सिंगल एस लेकिन डबल एल, ठीक है ना। ओसिलेट को हम ऐसे पढ़ेंगे, ओसिलेट, देखिए ये जो एससी वाला जो वर्ड है ना ये भी बहुत खतरनाक है, अगर हमें स लिखना है तो पता नहीं चल पाता है ना कि हम कहां क्या लिखे, केवल अगर हम का, हमको कहा गया कि आप ओसिलेट लिखो, चलिए हमने लिखा उच्चारण सुना ओसिलेट ऐसे लिखा, गलत है, ओसिलेट ऐसे नहीं होगा, ओसिलेट मैंने ऐसे लिखा गलत है, ओसिलेट कैसे होना चाहिए, इसमें एससी दोनों होना चाहिए, इसमें एससी दोनों होना चाहिए, आपको कहा गया कि आप लिखिए, चलिए तो ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन आप कैसे लिखेंगे, आपको ऑप्शन लिखना है जिसका मतलब होता है अश्लील भद्दा, ठीक है ना, ऑप्शन आप कैसे लिखेंगे, तो ऑप्शन हम लोग नॉर्मली हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर उच्चारण सुनते हैं तो ऑप्शन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, या ऑप्शन हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन सर ये दोनों गलत है ऑप्शन, उच्चारण के आधार पर लिखेंगे तो मात खा जाएंगे, कुछ कुछ वर्ड्स उच्चारण के आधार पर लिखेंगे तो मात खा जाएंगे, ऑप्शन में हमारा ये होना चाहिए ऑप्शन, देखिए ये हमारा सही स्पेलिंग है ऑप्शन का, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ऑप्शन हमारा कैसा होना चाहिए, ऑप्शन हमारा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ऑप्शन हमारा इसमें एससी दोनों है, ऑप्शन में ना एससी दोनों है, अगर हम उच्चारण पर लिखते ऑप्शन तो ये गलत, ये गलत, हमारा सही ये होना चाहिए, तो अगर कुछ अगर ऑप्शन है तो वो अश्लील है, वो गंदा है, वो भद्दा है, ठीक है ना, जैसे कि कोई ऑप्शन मटेरियल, ऑप्शन फिल्म, ठीक है ना, ये गंदे फिल्म होते हैं, अश्लील फिल्म होते हैं, तो ऑसिलेट हमें कैसे लिखना था, ऑसिलेट में मेन चीज क्या है, सिंगल एस डबल एल, और ओसिलेट में हम कैसे याद रखना है कि एससी होना चाहिए, ये केवल आधा नहीं ये पूरा होना, एस भी होना चाहिए सी भी होना चाहिए ऑप्शन की तरह, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बार बार इसको दो तीन बार इसको पढ़िएगा, दो तीन बार लिख लीजिएगा, एकदम स्पेलिंग पर पकड़ बन जाएगा। और एक ऐसा एरिया है स्पेलिंग जिस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो अंग्रेजी के जानकार भी हैं वो इस पर अथॉरिटी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि स्पेलिंग के फील्ड पर उनका अधिकार है, कहीं ना कहीं वो गलत कर सकते हैं, है ना, पूरे डिक्शनरी तो वर्ड से भरे हुए हैं और लगभग सभी वर्ड में ना कुछ विशेषताएं हैं, तो इतना वर्ड को एक साथ याद रख पाना ये कोई मामूली सी उपलब्धि नहीं है। चलिए अब हमें लिखना है ओसिलेट तो हो गया, हमें लिखना है वैसिलेट, हमें लिखना है वैसिलेट, वैसिलेट आप कैसे लिखेंगे, चलिए तो वैसिलेट हम लिखेंगे इस तरह से, ओसिलेट की तरह वैसिलेट भी, ओसिलेट की तरह वैसिलेट भी, चलिए ये हमारा वैसिलेट है, ठीक है ना, इसमें भी क्या है सिंगल सी है, थोड़ा ध्यान दिया जाए डबल सी नहीं है, हमें ये याद रखना होगा, वैसिलेट में ना सिंगल सी है और डबल एल, ये दोनों का अर्थ होता है दोलन करना, ठीक है ना, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसका हिंदी होता है दोलन करना, तो ये दोनों जो है अपने स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ओसिलेट में सिंगल सी डबल एल, वैसिलेट में सिंगल सी डबल एल, लेकिन लिखना वैक्सीनेशन, आप लिखो वैक्सीनेशन, ये पूरे कोविड काल में, ठीक है ना, 2020 21 22 और अभी भी चल रहा है कि पूरे कोविड काल में वैक्सीनेशन एक टॉप मोस्ट आप समझिए कि यूज्ड ये वर्ड रहा है, ठीक है ना, वैक्सीनेशन हमें लिखना है, कैसे वैक्सीनेशन लिखेंगे, वैक्सीनेशन में ना डबल सी होगा, चलिए देखिए वैसिलेट में सिंगल सी, वैसिलेट में सिंगल सी और वैसिलेशन में डबल सी, ठीक है ना, तो वैसिलेशन का मतलब होता है आप समझते टीकाकरण, वैसिलेशन का अर्थ होता है टीकाकरण, तो इसके अर्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके स्पेलिंग का होना, वैसिलेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं डबल सी का होना। तो बच्चों
आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहेगा। अब ये डिफिकल्ट स्पेलिंग के सीरीज जारी रहेंगे, आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात बताया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको आप थोड़ा फैलाएं, ताकि हमें और भी अच्छे काम करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।